नमस्ते दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग? क्या चल रहा जीवन में? आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में सेवन लेसन्स विच आई लर्न फ्रॉम सेवन डिफरेंट CEOs. सेवन. तो बिफोर वी गो फॉरवर्ड, अभी मैं बाल कटवा के आया हूँ अपने, क्योंकि मुझे आज ट्रैवल करना है फॉर वर्क. आई हैव टू ट्रैवल फॉर वर्क टू अफ्रीका अगेन. तो यार हम लोग 4900 सब्सक्राइबर पर हैं शायद, और अगर तुम लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो 5000 पे जल्दी पहुँच सकते हैं. And I'll announce a small giveaway once we reach 5000. Anyways, तो जैसे तुम लोगों को पता है कि मैं पहले कंसल्टिंग में काम किया हूँ, टाटा ग्रुप में काम किया हूँ. तो कंसल्टिंग में क्या होता है, आप अलग प्रोजेक्ट्स करते हो, और जब आप अलग प्रोजेक्ट्स करते हो तो आप बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े लोगों से मिलते हो. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द CEOs लाइक स्मॉल कंपनी CEOs, आई एम टॉकिंग अबाउट CEOs विच आर लिस्टेड कंपनीज, राइट? जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके CEO की बात कर रहा हूँ मैं. तो ये थोड़ा वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर समझना बात को, ठीक है? तो लेसन नंबर वन इज, जो मैं जितने भी CEOs के साथ काम कर रहा हूँ, मतलब मैंने 4-5 कंसल्टिंग में बड़े बड़े CEOs हैं, फिर मेरी कंपनीज के जो CEOs थे, और जो मैं करंट कंपनी में जो उनके CEO हैं, या फिर जिन कंपनीज के साथ मैंने इंटर्नशिप की उधर के CEO, तो काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और जो मेरी अभी जॉब है. तो काफ़ी सारे CEOs के साथ मैंने काम किया है, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मेरे बॉस के साथ. तो लेसन नंबर वन जो मैंने सीखा इज, या जितने भी CEOs होते हैं ना, दे स्टार्ट देयर डे वेरी अर्ली, मतलब 5:30 बजे 6 बजे. तो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिस पर मैं ऑफ साइट था, मतलब मैं हम जो कंपनी के CEO हैं वो भी ऑफ साइट थे. तो हम लोग सब होटल में रुके हुए थे, और मैं उठ के गया सुबह 6:30 बजे जिम, और जब मैं जिम में जा रहा था तो वो निकल के आ रहे थे, राइट? तो वो 5:30 बजे शायद गए होंगे जिम, जिसके लिए वो 5 बजे उठे होंगे. एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि यार मैं तो अभी जिम जा रहा हूँ और वो जिम से आ रहे हैं. तो जनरली द CEOs ऑफ ऑल द बिग कंपनीज, दे गेट अप अर्ली बिकॉज मॉर्निंग में उनको क्या होता है, टाइम होता है रिफ्लेक्शन का, एक डिस्ट्रेस फ्री टाइम होता है, एंड देन दे कैन सेट देयर एजेंडा. सो मैं तुम लोगों को अर्ज करूंगा, अगर तुम लोगों को CEO बनना है तो जल्दी उठना चालू करो, ठीक है? नंबर टू इज, मैंने देखा है कि जो उनका जो मॉर्निंग में उठा तो एक बात है, लेकिन फिजिकली दे आर एक्टिव, बिकॉज दे रियलाइज कि अगर उनको अपनी बॉडी को, दिमाग को शार्प रखना है तो बॉडी को भी शार्प रखना पड़ेगा. तो दे जनरली डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज और स्पोर्ट और रनिंग. जैसे टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं मिस्टर चंद्रा, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम. हाँ, वो शायद 50 ईयर्स होंगे और अब वो मैराथन रन करते हैं, राइट? मेरी जो पुरानी कंपनी के CEO थे, ही वॉज वेरी अनहेल्दी, बट देन मैनी स्टार्टेड लिफ्टिंग एंड वर्किंग आउट एंड रनिंग. नाउ ही गोज फॉर मैराथन, जो मुंबई में जो हमारा मैराथन होता है, पहले वो था स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन, बट उसके बाद टाटा ने पिछले 5-10 साल से इसका स्पॉन्सरशिप लिया हुआ है. तो द CEOs ऑफ टाटा ग्रुप, दे रन मैराथन्स. कैन यू रन अ मैराथन, मुझे बताना नीचे. तो नंबर वन वॉज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नंबर टू वॉज कीपिंग योर बॉडी फिजिकली एक्टिव, नंबर थ्री मैंने देखा है दे रीड अ लॉट. मतलब आप दुनिया में कोई भी टॉपिक के बारे में बात कर लो, चाहे वो फाइनेंशियल के बारे में है, चाहे इकोनॉमिक्स के बारे में है, चाहे ग्लोबली वॉर जो चल रहे हैं, चाहे US का जो पॉलिसी है, इंडिया का जो पॉलिसी है, दे रीड अ लॉट, बिकॉज उनको पता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी दुनिया के किसी भी पार्ट में, उनके बिजनेस को अफेक्ट करेगी. अगर रेड सी के आसपास अगर इसराइल और ईरान में वॉर चल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो दे नो कि वहाँ से मेरे शिपमेंट्स, मेरी सप्लाई चेन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी. तो दे आर वेरी 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 अप टू डेट, वो रीड बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको पता है कि कल को कुछ भी हो सकता है. एंड ऑल्सो दे मीट मिनिस्टर्स, दे मीट बिग पीपल, दे मीट अदर पीपल, यू नो, दे मीट गवर्नमेंट्स और यू नो ब्यूरोक्रेट्स. सो दे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी अवेयर कि क्या चल रहा है जीवन में, क्या चल रहा है आसपास दुनिया में, उनके गाँव में, उनके शहर में, उनके स्टेट में, उनकी कंट्री में और उनकी प्लैनेट पर. सो दे रीड अ लॉट, नंबर 3. नंबर 4 मैंने देखा है, हम लोग जनरली सोचते हैं कि यार मैं कल क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा, एक हफ्ते बाद क्या करूँगा, एक महीने बाद क्या करूँगा. जनरली जो CEOs वाला होते हैं, दे थिंक लॉन्ग टर्म, दे प्लान फॉर लॉन्ग टर्म, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years. मुझे याद है मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उस प्रोजेक्ट का टाइटल था मेगा ट्रेंड्स इन 2030, और ये प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था 2021 में. तो 10 साल के आगे का सोच के चलते हैं, तो दैट्स गुड, बिकॉज उनको मार्केट से पैसा उठाना है, उनको अपने कैपिटल एलोकेशंस के लिए प्रोजेक्ट करने हैं, उनको मैन पावर करना है, उनको बजट दिखाना है, उनको PNL दिखाना है, उनके रेवेन्यूज को फोकस करना है, उनको प्रॉफिट फोकस करना है, शेयर प्राइस फोकस करना है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू थिंक एंड प्लान फॉर लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म इज नॉट 1 year फॉर देम, इट्स 5 years, देन 5 years becomes 3 years, देन 3 years become 1 year, देन 1 year become
6 month, then 6 month become 3 month, then 6 months, 3 months become 1 month, राइट? तो ऐसा कास्केड होता है, तो जो प्लानिंग होती है, जो आउटलुक होता है, वो उनका हमेशा 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 लॉन्ग टर्म का होता है. ये है लेसन नंबर 4. लेसन नंबर 5 विच आई हैव लर्न इज दैट डेलीगेशन, राइट? डेलीगेशन का मतलब क्या है कि दे हायर बेस्ट ऑफ बेस्ट पीपल एंड दे नो अगर हमको ग्रो करना है तो दे कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन. तो वो उनका सेल्स का CXO अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, ऑपरेशंस का अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा, लॉजिस्टिक्स का अलग होगा, ईस्ट का अलग होगा, नॉर्थ का अलग होगा. तो दे इज अ प्रॉपर, दे पुट अ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस, दे पुट अ टीम इन प्लेस एंड देन दे ट्रेन द टीम, दे मोटिवेट द टीम, दे ग्रूम द टीम, सो द बिजनेस इज रनिंग ऑन इट्स ओन, राइट? तो जनरली स्मॉल बिजनेस में क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू ग्रो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हायर पीपल, दे आर नॉट एबल टू build teams, they are not able to delegate, they are not able to kind of give कि ये काम मैं ही करता हूँ तो मैं ही करूँगा, ऐसा नहीं करते हैं वो लोग. they find specialists for that particular job, right? तो that's very important, that's a lesson number 4. lesson number 5 which I have learned is, by the way, अगर तुम लोगों को वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो please don't forget to like, you know. तो lesson number 4 which I have learned is they think everything in terms of money, right? their time management is very important, right? तो उनके नीचे जनरली या तो EA होता है या PA होता है, पर्सनल असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो खाली उनका कैलेंडर को मैच करता है, जो इंश्योर करता है कि उनका जो टाइम है, उनका जो समय है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, ताकि लोग उसको जो भी पूरा दिन, जो उनका दिन है, वीक है, मंथ है, वो पूरा प्लान है, उनका कैलेंडर ब्लॉक है. अब मुझे याद है जब हमारे रिव्यूज वगैरह होते थे तो हमें बोला जाता था कि यहाँ टॉक टू द ईए और टॉक टू द पीए एंड जस्ट सी व्हेन यू कैन गेट इन हाफ एन आवर, व्हाट कैलेंडर, कैलेंडर में देखकर वो बता देंगे कि कब आप मीटिंग कर सकते हो. तो आज मंडे है तो मुझे पता चला मंडे को वो बिजी हैं, ट्यूजडे को दिल्ली जा रहे हैं, वेडनेसडे को उनका कुछ प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग की मीटिंग है, थर्सडे को शाम को 4:30 से 5 बजे आपका स्लॉट है. तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? तो वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. नंबर 6 इज कम्युनिकेशन, राइट? एंड कम्युनिकेशन का मतलब खाली बोलना नहीं है, सुनना भी होता है. अगर आप उनको कोई पॉइंट लेके जाते हैं, वो उसको इतनी जल्दी समझ कर रिएक्ट करते हैं, एक लाइन में समराइज कर देते हैं, दैट यू नो यू विल बी सरप्राइज, राइट? बिकॉज दे हैव सो मच एक्सपीरियंस. जब आपको सुनते हैं तो वो बहुत ध्यान से सुनते हैं और आपकी जो रिएक्शन है, आपका जो भी आपको बताना चाहते हैं, जो गाइडेंस है, वो तुरंत कर देते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी गुड ग्रिप ऑन देयर बिजनेस. उनकी ग्रिप है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, और आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको तुरंत वो पढ़ के बता देंगे भाई कि क्या आपको नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए. मुझे याद है कि जब हम काम करते थे, प्रोजेक्ट करते थे, तो हमको अगर मंडे को रिव्यू है तो हमको फ्राइडे तक पूरा स्लाइड्स डेक्स भेजना पड़ता था, राइट? तो ऐसा नहीं था कि मंडे को हम, जब हमारा रिव्यू हो रहा है तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं. मंडे को दे हैव ऑलरेडी कम प्रिपेयर्ड, पूरा रीड करके आए हमारा स्लाइड का डेक, और बोलेंगे अगर 50 का साइड का, 100 स्लाइड्स का हमारा स्लाइड्स प्रेजेंटेशन, बोलेंगे आई रेड थ्रू इट, गो थ्रू नेक्स्ट ओके, द स्लाइड नंबर 6 पॉइंट नंबर 3 इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आई थिंक यू आर रॉन्ग और यू आर राइट, और लेट्स डू समथिंग अबाउट इट. सो दे रीड एंड देयर कम्युनिकेशन इज वेरी 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 गुड, राइट? कि जब आपको, आपने एफर्टलेसली हो जाता है, राइट? वो बहुत ज़रूरी है कि जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो वो प्रॉब्लम रहती है, राइट? नंबर 7, लास्ट में जो पॉइंट है, लोगों को लगता है ये थोड़ा थ्योरेटिकल, लेकिन जब आप उसके बारे में सोचते हैं, जब आप सिचुएशन में होते हैं ना, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टीम मैनेजमेंट. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डेलीगेशन, दैट इज़ अ डिफरेंट स्किल. टीम मैनेजमेंट, समझना लोगों को क्या चीज़ें मोटिवेट करती हैं, समझना लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स है जीवन में, क्या उनके एस्पिरेशंस हैं, और उसके अकॉर्डिंग उनको वो अपॉर्चुनिटीज देना, उनको उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो कराना, उसके अकॉर्डिंग उनको उनको वो अपॉर्चुनिटीज देना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि अगर आप कोई लेट्स टी सी एस, राइट? टी सी एस में आई थिंक 5 लाख लोग काम करते हैं. जो 5 लाख लोग काम कर रहे हैं, 5 लाख लोगों का अपना अपना अलग एस्पिरेशन है. तो जो टी सी ओ के जो सी ओ हैं, वो हैज़ टू टेक द होल टीम टुगेदर, ही हैज़ टू सी व्हाट मोटिवेट्स, टीम डेवलपमेंट, टीम वर्क इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है, जबकि जो चीज़ आप भी अपने जीवन में लगा सकते हो, अपनी इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट? तो ये बताओ, ये 7 पॉइंट हो गए, राइट? 7 पॉइंट मतलब नंबर 1 की गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वर्किंग आउट, हैविंग अ लॉन्ग टर्म व्यू, हैविंग नो कम्युनिकेशन, डेलीगेशन एंड दिस वन, राइट? तो 7 पॉइंट हो गए शायद. और लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी देना चाहता हूँ मैं कि जनरली मैंने ये चीज़ देखा है कि वो ये नहीं देखते कि दूसरी जो कंपनी है या फिर जो मेरे सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, या फिर मार्केट में मेरे कॉम्पिटिशन है, दे सी हाउ वी कैन कॉपरेट, राइट? अगर
आप और मैं किसी चीज़ के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो दे डों अभी जो है वो आउटलुक चेंज हो गया, दे डोंट सी इट्स एज अ कॉम्पिटिशन बट दे सी एज एन अपॉर्चुनिटी टू कोऑपरेशन, बिकॉज केक बहुत बड़ा है भाई, आप अकेला एक आदमी केक नहीं खा सकता है राइट, इन देयर बिजनेस इज राइट, सो इट्स ऑल अबाउट कोऑपरेशन विद योर कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिशन विद कोऑपरेशन और कॉपरेशन विद कॉम्पिटिशन राइट। थोड़ा ट्रिकी है ये फंडा, लेकिन जब तुम लोग बिजनेस में आओगे, जब तुम अपना बिजनेस करोगे या फिर जॉब करोगे, तो तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा राइट। तो आई होप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया, और थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग द चैनल सो फार, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मुझे बताना अगर मैंने कोई की स्किल मिस कर दिया हो कमेंट सेक्शन में, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care. Bye-bye.